माइलिन मेड इजी चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। 2 महीने पहले मैंने आप लोगों को राग बागेश्वरी मद्दले त्रिताल प्रस्तुत किया था। आज उस राग का नोटेशन इस ट्यूटोरियल में दे रहा हूँ। आप इसको बजाने के पहले और जो मैंने बागेशी बजाया था उसको एक दो बार सुन लें, उसके बाद इसको बजाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। राग बागेशी का नोटेशन आपके सामने है। जैसा आप देख रहे हैं इसमें ग और नी ये दो स्वर कोमल लगते हैं। इसका आरोह और अवरोह और ये पकड़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब स्थाई की बात करते हैं। स्थाई में जो त्रिताल है इसलिए 4 खंड रहे हैं और चारों खंडों में 4-4 स्वर रहते हैं, मगर यहाँ आप देखिए जो दूसरे खंड में 4 के बदले केवल 3 स्वर हैं, म ध नी, तो 4 बीट में आपको ये 3 स्वर बजाना है। तो इसका जो स्थाई है सा नी ध म ध नी सा नी ध म ग रे सा म ग रे सा नी ध सा ग म ध नि ध म ग रे सा, ये उसका स्थाई है। ये मैं आपको बजा के बताता हूँ। ये मैं बजा रहा हूँ थोड़ा लय इसकी कम है जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। सप्तक का है और ये इस तरह बजेगा। अब इसके अंतरा में आते हैं तो अंतरा 3 लाइन का है और इसमें सिंपल है म ग म ध म ध नि सा सा नि ध नि सा ग ग रे सा ध नि सा नि ध म म ध नि सा म ग रे ग ग रे सा नि ध म ग रे सा। इसके बाद फिर स्थाई आएगा। तो इसका जो सम है ये सा है सम, तो ये बनेगा ऐसा। तान लेंगे। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे इस पहली मात्रा यानी सम सा पे है और ये खाली है, बस इसके बाद तान लेंगे। अब ताने लेंगे, ये 4 ताने हैं जो कि सम से शुरू हो रही है। तो ये पहली 3 ताने 8-8 मात्रा की है। तो ये पहली तान है जो सम से शुरू होगी, सा नी ध नी सा ग म ध नी सा नी ध म ग रे सा, और दूसरी तान ध नी सा नी ध नी ध म ग म नी ध म ग रे सा, किसको मैं बजा के बता रहा हूँ। Thank you.
तीसरी तान है थोड़ी सी वो है, इसमें आप देखिए ये ऐसा बजेगा, ग म ध नि सा नि ध म ग म ग रे सा। यहाँ देखिए सा के बाद डैश है तो सा नि ध, यहाँ पे म के पहले तो नि ध म ग म ग रे सा, इस तरह बजेगा। चौथी तान है इसके दो पार्ट हैं, पहली ये दो लाइन है ये एक पार्ट हुआ और ये आखिरी की दो लाइन है ये तिहाई हुई, तो ये ऐसा बजेगा सा नि ध नि रे सा नि सा म ग रे ग ध म ग म ध नि सा रे ग ग रे सा नि नि ध म ग रे सा ग म ध नि सा 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 गम धनी सा 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 गम धनी सा 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 नी धम ग रे सा। ये जो चिन्ह है यहाँ पे एक बीट खाली जाएगा तो इसको ऐसा बजेगा। तान सम से शुरू होती है, यहाँ पे सम, यहाँ पे तान खत्म हुआ बाद श्री सम पे आएंगे सा नि ध म ग रे सा। इस तरह से चारों तान हैं, आप बजाइए और इसका आनंद उठाइए। धन्यवाद।